मैं कहना चाहूँगा कि करीब करीब सभी जितने भी सत्ता पक्ष के लोग थे मान्यवर, उन्होंने कहा कि हमारा इतना बड़ा जनादेश आया है, हम इतनी बड़ी संख्या में जीत के आए। ये सही है, जो गिनती गिनी गई है और जो रिजल्ट आया उसमें आपकी गिनती जो आप बता रहे हैं वही निकली है। लेकिन इस पर बहुत बड़ा डाउट है और प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जब हम लोग जब जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो हम लोगों को लोग जो पकड़ करके घेरते हैं वो खाली यही कह रहे हैं कि हमारा वोट गया कहाँ। हमारे पास हमारे तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो इस बूथ में 1200 लोग थे, 1200 में 1150 मुस्लिम समाज के थे, उन लोगों ने कहा कि हमारे वोट कहाँ चले गए। हमने कहा उन्होंने आपके लिए 3 तलाक का बिल लाया है, इसलिए वो कहते हैं कि आपने नहीं दिया लेकिन उन्होंने वोट दे दिया होगा। इस प्रकार से लोग वहां पर अचंभित हैं पूरा, और ये खाली हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात नहीं कह रहे, पूरे देश में लोग अचंभित हैं। ये भी अचंभित है, ये कह रहे हैं खुद भी, अभी आपने सुना होगा, हमने भी सुना, इतनी देर से कह रहे हैं बार बार कि आप लोग कह रहे थे कि हमारी तो बड़ी हालत खस्ता है और हम बड़ा खराब वोट लेंगे, और देखिए कितना वोट लेकर के आए, ये भी यही जानते थे। और इस प्रकार की वार्ता भी जब इन लोगों से इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के पहले हो रही थी, तो उन्होंने इनके एक जो चुनाव लड़ रहे थे उनसे मेरी खुद व्यक्तिगत बात हुई, तो हमने कहा आपकी बार तो आप लोगों का क्या होने वाला। बोले क्यों क्या होने वाला, हमने कहा आपके पास ना वोटर रह गया ना जनादेश रह गया, लोग आक्रोशित हैं, लोग वोट आपको देने नहीं चाहते हैं तो देंगे नहीं, तो आपका क्या स्थिति होगी। उन्होंने कहा ये सब चीज़ें मैं मानता हूँ, ये सब आपके पास है और आप लोगों के पास हो, ये मेरे खिलाफ है, लेकिन हमारे पास एक चीज़ तो है। हमने कहा वो कौन सी चीज़ है, बोले हमारे पास ईवीएम तो आपके पास नहीं है। तो हमने कहा ये ईवीएम में आप कैसे कर लेंगे, इसके बारे में तो कुछ बताइए, कुछ प्रकाश डालिए कि ईवीएम में कैसे करेंगे, हमको भी बताइए। बोले इसको अगर प्रकाश आपको डलवाना है तो हमारे आपके राज्यसभा में हमारे सम्मानित सदस्य हैं, अभी अब इस समय मौजूद नहीं है, नरसिम्हा राव जी थे वो जो अभी बोल रहे थे, उन्होंने इतनी बड़ी एक बहुत 100 पन्ने से ज्यादा की किताब लिखी कैसे ईवीएम हैक होती है, और कैसे, और फुल प्रूफ के साथ लिखा है कि ईवीएम तो हैक हो ही जाती है और हैक होगी। तो जब आपको यह जानना है तो आप उनसे मिल लीजिए, वो आपको तरीका बता देंगे। तो मान्यवर इसको समझने के बाद जब मैंने राष्ट्रपति जी का वो पढ़ रहा था भाषण, तो उसमें ये तब समझ में आया मुझे इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि शुरुआत में बाकी और कुछ ना कह करके सबसे शुरू में किस चीज की धन्यवाद दी गई। पैरा 4 में शुरुआत होती है और वहां से धन्यवाद किसको दिया जाता है, धन्यवाद दिया जाता है विश्व में सबसे बड़े चुनाव को संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का क्या रोल रहा है अब की बार, उनको अगर धन्यवाद ये नहीं देंगे तो ये तो बहुत ही गलत काम होता है। ये सही किया इन्होंने, अच्छा काम किया, कम से कम चुनाव आयोग को धन्यवाद इनको देना ही चाहिए, क्योंकि चुनाव शुरू होने से होते होते और चुनाव खत्म होते होते तो हम लोग पहले समझते थे कि बीजेपी प्लस मीडिया प्लस सीबीआई प्लस ईडी प्लस बाकी संस्थाएं, लेकिन बाद में तो ये हुआ कि चुनाव आयोग भी उसमें प्लस हो गया है, और लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया कि चुनाव आयोग ने इलेक्शन खत्म होते होते अपने को विलय कर लिया बीजेपी से। पहले तो समर्थन बाहर से था, आउटसाइड, फिर आउटसाइड समर्थन की जगह वो आकर के मिली गए उनसे, और उन्होंने आके चुनाव आयोग, इसीलिए आपने इसमें धन्यवाद दिया। आपने उसके बाद लिखा है कि चुनाव प्रक्रिया में सफल प्रशासन तंत्र और सुरक्षा बलों, प्रशासन तंत्र का तो धन्यवाद देना ही चाहिए इनको, हम लोग खुद भुक्तभोगी हैं, 182 वोट से जीत डिक्लेयर हो गई कि हम जीत गए, और उसके बाद अचानक मालूम पड़ा कि प्रशासन तंत्र के पास फोन आ गया लखनऊ से कि ये सीट अगर हार गए तो कैसे हार गए, अच्छा? ये तो नहीं हारना है, 182 वोट से हार गए, हम कहते रह गए, हमने स्वयं फोन में बात की, इलेक्शन कमीशन में की, वहां की, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपका जब बता दिया तो जीत ही गए। हमने कहा देख लीजिए जीतने का नतीजा क्या है, वो आधे घंटे बाद 182 वोट से हरा दिए गए काउंटिंग, और दोबारा से करके कहा कि वो खराब हो गया, हम तो फ्रेश काउंटिंग करेंगे, और काउंटिंग करके बैलेट की रिकाउंटिंग करी और हरवा दिया। इसी तरह से मेरठ में 4000 वोटों से कहा जीत गए, वो बाहर निकल गए, 4400 वोटों से हरवा दिया। तो इस तरह से चुनाव की जीत आप लेकर के आए हैं जिसपे आप अपनी पीठ ठोंक रहे हैं, और पीठ ठोंकनी भी चाहिए क्योंकि आप इस तरीके से जीत करके आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जनता, अब आप जो है गवर्नमेंट आपने बना ली है, आप सत्ता में आ गए, लोग आपसे प्रश्न करेंगे,
आपसे ये इलेक्शन कमीशन में और ईवीएम की बात तो पीछे रह जाएगी, मीडिया की बात पीछे रह जाएगी, लेकिन आपसे ये पूछेंगे कि आपने 5 साल में जिस तरीके से आपने दलित समाज, जिस तरह से आपने अल्पसंख्यक समाज, आपने जिस तरीके से इनको लिंचिंग से लेके कोड़ों से लेकर के और क्या क्या नहीं आपने किया इनके लिए, आपने और आप कहते हैं कि ये मेरे साथ है, ये समाज मेरे साथ है, आप उनको शादी करने से रोकते हैं, आप उनको घोड़े पे सवार नहीं होने देते हैं अगर शादी दलित समाज के लोगों को, आप 17-17 घंटे तक वीडियो खींच करके एक अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को घोड़े मारते रहते हैं जब तक वो मर नहीं जाता है, आप अभी ये अभी 3 दिन पहले की खबर है। तो इस तरह की जो आपकी योजना अभी इलेक्शन के बाद भी चल रही है, इलेक्शन के पहले भी चल रही थी, तो ये समाज तो जान ही रहा है कि आप उनके साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। आज आपने बेरोजगारी को 45 वर्षों के आपने बियॉन्ड पहुंचा, सबसे कमजोर हो गई, आपने सारी चीजों का रिजर्वेशन खत्म करने का तरीका आपने निकाल लिया, आपने सब प्राइवेटाइजेशन करने का काम कर दिया, आपने सारे जितने भी गवर्नमेंट के काम थे सब ठेकेदारी में दे दिए, आप जितने पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन उनको बेचने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बेचना किसको है, आपको डबल फायदा है, एक तरफ रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, एक तरफ दलित समाज बैकवर्ड क्लास और इनका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा SC ST OBC का, दूसरी तरफ आपके कॉरपोरेट जो हाउसेज हैं जिन्होंने 20 हजार करोड़ रुपए आपको दिए, तो आपका धर्म भी मनता है कि आप उसको वापस करिए, तो आप वापस कर रहे हैं इस तरीके से, और वापस करने का तरीका आपने ये अपनाया है कि एक 100 रुपए की चीज आप 2 पैसे में उनको देने का काम कर रहे हैं, आप बैंक लोन उनको उठवाते हैं और उनसे कहते हैं आप विदेश में भाग जाइए, और विदेश में जब भाग जाते हैं तो आप कहते हैं ऐश करिए, क्योंकि हम तो हैं, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, आप जाइए आराम करिए, हम आपकी देखभाल कर रहे हैं, आप हमारी देखभाल कर रहे हैं चुनाव में, चुनाव के बाद 5 साल हम आपकी देखभाल करेंगे, आप इनसे जब छूटेंगे तब तो आप इन गरीबों की सोचेंगे,